फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मेरी रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं सूजी और आलू का एक चटपटा नाश्ता, जिसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा उबाला हुआ आलू, जिसको हमने मैश कर लिया है, थोड़ी सी धनिया पत्ता, थोड़ा सा प्याज, मतलब एक मीडियम साइज़ का प्याज है, एक मीडियम साइज़ का टमाटर है, दो हरी मिर्च है, और यहाँ पर हमने एक कटोरी ली है दही, और यहाँ पे हमने ले लिया है एक कटोरी सूजी, और यहाँ पे हमने लिया है थोड़ी सी चीज़। तो इसको बनाने के लिए हम यहाँ पे एक बाउल लेंगे और इसमें हम डाल देंगे इस सूजी को, और इसमें हम डालेंगे एक कटोरी दही, दही हमने फ्रेश लिया है, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, एक चम्मच के बराबर, ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो अब हमने लिया है यहाँ पे पानी, और हम इसमें मिक्स करेंगे दही और सूजी को, और इसको मिलाते हुए धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम अच्छे तरीके से इसका एक बेटर बनाएंगे, अच्छा सा घोल तैयार करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए, इसका हम बढ़िया सा घोल तैयार करेंगे। तो देखिए, सूजी को हमें इस तरीके से घोलना है कि इसमें कोई गांठ ना रहे, एकदम स्मूथ इसका पेस्ट बनाना है। तो इसे देखिए कंसिस्टेंसी में घुमाते हुए हम इसे बनाएंगे, इसका बहुत ही बढ़िया घोल तैयार करेंगे। तो देखिए, अब हम इसको इस तरीके का बेटर बना के छोड़े हैं। अब इसको हम ढक के 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि सूजी हमारा अच्छे तरीके से फूल जाए। तो देखिए, हमने इसको ढक के 10 मिनट के लिए साइड कर दिया है। तो देखिए, जब तक हमारा सूजी फूल रहा है, तो हम अपने चोखा के लिए स्टफी तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने गैस को ऑन कर लिया है, और इस पे चढ़ाएंगे हम एक कढ़ाई। कढ़ाई को हम गर्म होने देंगे। तो देखिए, कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच के करीब तेल। तेल को हम गर्म होने देंगे। तो देखिए, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, 2 लाल मिर्च और 1 तेज़पत्ता, और इन सारे चीज़ों को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो देखिए, अब हम इन सारे चीज़ों को अच्छे तरीके से भून लेंगे। जीरा हमारा चटक चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे जो प्याज काट के रखे थे उसको। प्याज को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। आज नाश्ता बहुत ही बढ़िया बनने वाला है, और बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाता है। प्याज को हम अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे, हल्का सा ही भूनेंगे, इस तक का चापन खत्म करना है बस। तो देखिए, प्याज हमारा अच्छे तरीके से भून चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको हल्के से भून लेंगे, चलाते हुए। और अब इसमें हम ऐड करेंगे एक टमाटर जो हमने काट के रखा था, उसको ऐड कर देंगे इसमें, और थोड़ी सी डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, ज़्यादा नहीं डालेंगे, एकदम हल्का सा ही डालेंगे, और थोड़ा सा डालेंगे ये लाल वाली मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च जो कम तीखा होता है वो वाला, इसको हम हल्के से भून लेंगे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। नमक हमने बेटर में भी डाला है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा हम कम ही डालेंगे, नहीं तो बहुत तेज हो जाएगा नमक, तो अच्छा नहीं लगेगा, उसका स्वाद अच्छा नहीं आएगा। तब हम सारे मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो देखिए, मसाला हमारा अच्छे तरीके से भून चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने आलू उबाल के रखे थे, मैश करके उसको उसको अच्छे तरीके से हम मिला लेंगे। तो हम थोड़ा सा मीडियम रखेंगे गैस को, फ्लेम को मीडियम रखेंगे, नहीं तो हमारा मसाला जल जाएगा नीचे से, उसका स्वाद थोड़ा ख़राब हो जाएगा, अच्छा नहीं आएगा। तो हम इसको इस तरीके का इसाफी बना लेंगे, इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो देखिए, हमारा इसाफी बन के रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया पत्ता जो हमने काट के रखा था,
उसको हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे इसको। तो हमारा स्टफी बन के रेडी हो चुका है, तो अब हम गैस फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो देखिए सूजी हमारा फूल चुका है, लेकिन ये बहुत अभी गाढ़ा हो चुका है, तो हम इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे। तो इसका गाढ़ा ही पेस्ट बनाना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो इस तरीके से हम इसका गाढ़ा ही पेस्ट बनाएंगे। हमको बेटर ज़्यादा पतला नहीं चाहिए और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं चाहिए। ऐसे चलाते हुए इसको अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। हमको बहुत ही स्मूथ पेस्ट चाहिए इसका। तो देखिए बहुत ही अच्छा बन के तैयार हो गया है। बहुत ही बढ़िया इसका पेस्ट तैयार हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिया है इस टाइप का एक थाली, और उधर हमने पानी चढ़ा दिया है गैस पे उबाल आने के लिए। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि इस बैटर को डाल देंगे, पूरा नहीं डालेंगे, आधा ही डालेंगे, और इसको इस तरीके से सेट कर देंगे। बस ज़्यादा पतला नहीं करना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है। तो इस तरीके से हमने इसको सेट कर दिया है। अब हमने जो इसका स्टफी तैयार करके रखा है ये देखिए, तो हम हाथ में लगा लेंगे थोड़ा सा वायल, और वायल लगा के इसका गोला बनाएंगे और इस तरीके से इसको बड़ा करते हुए इस पर छोटा छोटा करके, एक बार में नहीं होगा तो हम दो ढो बनाएंगे इसका, छोटा छोटा करके पूरे में फैला देंगे इसको। इस तरीके से हम पूरे बैटर में इसको लगा देंगे ताकि हमारा नाश्ता बहुत ही चटपटा बने। बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होने वाला है नाश्ता। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और हमारी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अब इस पे हम डाल देंगे थोड़ा सा चीज़, यहाँ पे हमने चीज़ बना के रखा है, तो इस पे हम डाल देंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से रख देंगे इस पे। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे जो हमारा बचा हुआ बैटर है, इस तरीके से पूरे को कवर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर पानी उबाल आ चुका है, अच्छे तरीके से उबल रहा है, तो इस पर अब हम इसको रख देंगे और इसको कवर कर देंगे। इसको हम कवर करके पकाएंगे। तो देखिए हमने जो सूजी डाला था इसमें जो घोल बना के, वो अच्छे तरीके से अब सेट हो चुका है, और अब हम इसको चेक करते हैं। तो देखिए एकदम बढ़िया से परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए गैस को करते हैं ऑफ, और इसको 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दें। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और ये ठंडा हो चुका है बहुत ही बढ़िया से। तो अब हम इसको पीसेज में काट लेंगे, इस तरीके से बड़े बड़े पीसेज में काट लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम अपने सारे पीसेस को रेडी कर दिया है। तो अब हम इसका करेंगे सेलो फ्राई। तो सेलो फ्राई करने के लिए हम एक लेंगे फ्राई पैन। तो देखिए यहाँ पे हमने गैस का फ्लेम ऑन कर लिया है और इस पर हम चढ़ाएंगे एक फ्राई पैन। तो फ्राई पैन चढ़ा के हम इसको गर्म होने देंगे, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल। तो देखिए तेल को हम इस तरीके से गर्म होने देंगे और पूरे फ्राई पैन में इसको इस तरीके से लगा देंगे ताकि जो हम पीसेज बनाए हैं वो इसमें चिपके नहीं, और इसको अच्छे तरीके से गर्म होने देंगे। तो फ्राई पैन हमारा हो चुका है गर्म, अब हम इसमें डाल देंगे इसको और इसका हल्का हल्का फ्राई करेंगे।
उलट पलट के अच्छे तरीके से इसका फ्राई कर लेंगे। चाधनी डालेंगे ताकि अच्छे से पलटने में आसानी हो। तो देखिए इस तरीके से हम इसको पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। हल्का फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना है। और देखिए इसका कलर कितना बढ़िया आ रहा है, गोल्डन कलर का। इसी तरीके से हम अपने सारे फिशेस को फ्राई कर लेंगे, सेलो फ्राई करेंगे। डीप फ्राई नहीं करना है, हल्का सा फ्राई करना है। तो देखिए इस तरीके से हमारे सारे फिशेस गोल्डन हो चुके हैं, तो इनको हम निकाल लेंगे। और जो दूसरा बचा हुआ पीस है उसको हम इसमें डाल देंगे ताकि अच्छे तरीके से भी फ्राई हो जाए। तो देखिए हमने अपने सारे पीसेस को हल्का सा फ्राई कर लिया है, ज़्यादा डीप फ्राई नहीं किया है। तो अब इसमें हम लगाएंगे तड़का। तो तड़का लगाने के लिए हमने यहाँ पे फ्राई पैन लिया है और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच के करीब तेल, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब तेल को हम गर्म होने देंगे। फ्लेम को हम मीडियम में ही रखेंगे। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा राई, इन सारे चीज़ों को हम अच्छे से चटकने देंगे। तो राई हमारा चटक चुका है, तो इसमें डालेंगे हम चुटकी भर हींग। हींग से हमारे डिश का जो फ्लेवर होता है वो बहुत ही बढ़िया आता है, तो ज़्यादा नहीं डालना है। और इसमें डालेंगे हम करी पत्ता, करी पत्ता से भी इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया होता है। अब इन सारे चीज़ों को हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। तो देखिए राई चटक चुका है और एक करी पत्ता भी अच्छे तरीके से भून चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे प्याज जो कि हमने बारीक काट के रख लिया था, और इसको गोल्डन होने तक भूनेंगे। और थोड़ा सा डालेंगे इसमें हम धनिया पत्ता। अब इन सारे चीज़ों को हल्का सा हम भून लेंगे। तो देखिए प्याज हमारा अच्छे तरीके से भून चुका है, ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इसका थोड़ा सा कच्चापन निकालना है। तो भून चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा टोमेटो केचप। इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, एकदम हल्का ही पकाना है, इसलिए इसको हम बाद में डालेंगे। और डाल के ज़्यादा नहीं, 2 मिनट के लिए हम पकाएंगे, चलाते हुए 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो देखिए अच्छे तरीके से पक चुके हैं। अब हम इसमें जो पीसेज फ्राई करके रखे हैं इसको हम डाल देंगे इसके अंदर। देखिए बहुत ही टेस्टी डिश बनने वाला है, बहुत ही बढ़िया बन के रेडी होगा। तो हम इसको धीरे धीरे पलटते हुए इस तरीके से दोनों साइड से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, बहुत ही टेस्टी बन चुका है। तरीके से हम अपने सारे पीसेस को निकाल लेंगे। तो बहुत ही बढ़िया बन के रेडी हुआ है, हम आपको प्लेट में निकाल के दिखाते हैं। तो देखिए हम इसको निकालेंगे एक प्लेट में, इस तरीके से निकालेंगे अपने सारे पीसेस को। अब बताइएगा कि ये कैसा बन के रेडी हुआ है। तो देखिए कितना बढ़िया बन के रेडी हुआ है, हमको नज़दीक से दिखाते हैं, कितना ही सुंदर बन के रेडी हुआ है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी रेसिपी कैसी बनी है, और एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही स्वादिष्ट बना है और बहुत ही टेस्टी लगेगा आपको। और कमेंट में ज़रूर हमको बताइएगा कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया कुछ खास लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।